अगर आपको आम खाना बहुत ज़्यादा पसंद है और आप आम खाते खाते अपने वेट को मेंटेन करना चाहते हैं या फिर वेट को कम करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। इस हफ़्ता मैंने मोस्ट ऑफ़ द टाइम अपना डिनर को स्किप किया और डिनर की जगह पे 1 से 2 मैंगोज़ खाए, बिकॉज़ मुझे मैंगोज़ बहुत पसंद है। लेकिन जिन लोगों को मैंगोज़ नहीं खाने हैं या जो मैंगोज़ पे कंट्रोल कर सकते हैं, जिनको दिन में 4-4 मैंगोज़ खाने की कोई आदत नहीं है, तो उन लोगों को वो जो मैंने डिनर के टाइम में जब मैंगो खाया है उन्हें मैंगो हटा देना है वहाँ से और वहाँ पर अपना नॉर्मल खिचड़ी या दही चावल या रोटी सब्जी या दाल चावल को ऐड कर लेना है लिमिटेड क्वांटिटी में। और जो बिल्कुल परफेक्ट वाली डाइट होती है, हेल्दी इंडियन रुजुता मामसा इंस्पायर डाइट, जिससे वेट लॉस बहुत अच्छे से होगा, न्यूट्रिशन आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, उस डाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो है, आप उसको प्लीज़ चेकआउट कीजिएगा। उससे आपको पता चलेगा आपको पूरा हफ्ता क्या खाना होता है एक महीने में बेस्ट हेल्दी वे में वेट कम करने के लिए। हाय एवरीवन, वेरी वॉम वेलकम टू लुक गॉर्जियस। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि रुजुता दिवेकर मैम की डाइट में मैंने इस वीक क्या क्या खाया, कितना हेल्दी खाया, कितनी चीटिंग की एंड पूरे हफ्ते की मेरी डाइट। ओवरऑल मेरी डाइट बहुत ही अच्छी रहती है, कभी कभी चीटिंग भी हो जाती है, स्लो एंड स्टेडी वाला चीज़ है, धीरे धीरे वेट कम होता है बट होता ज़रूर है, और बॉडी पेन्स नहीं आते हैं, चेहरे का ग्लो नहीं जाता है, बाल नहीं झड़ते इस डाइट के साथ में, पीरियड्स बिल्कुल अच्छे से रेगुलर हो जाते हैं। एंड इस डाइट के साथ ना एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप अच्छे रिजल्ट्स और जल्दी जल्दी रिजल्ट्स चाहते हैं तो। पर्सनली मैं अभी एक्सरसाइज नहीं फॉलो कर रही हूँ तो मेरा रिजल्ट बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा आ रहा है। तो अभी इस वीक में मैंने 400 ग्राम्स कम किए, 69.8 केजी से स्टार्ट किया एंड 69.4 केजी पे एंड हुआ, तो अप्रॉक्सीमेटली 400 ग्राम्स यानी कि 1 पाउंड वेट मेरा इस हफ्ते में कम हुआ है। रुजुता मैम की डाइट बहुत ही ज़्यादा हेल्दी प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होती है, आपको सिंपल घर का खाना खाना है, दैट्स हाउ इजी इट इज़। आपको बस हर 2 घंटे के बाद थोड़ा थोड़ा कुछ खाना होता है, सुबह के टाइम में ज़्यादा खाइए, रात के टाइम में कम खाइए, अपने एपेटाइट के हिसाब से खाइए, अपने पेट से पूछ के खाइए, बिना टीवी बिना फ़ोन के चौकड़ी मार के धीरे धीरे चबा चबा करके खाना खाइए, हेल्दी होम कुक्ड लोकल सीजनल फूड आपको खाना है बेसिकली। तो चलिए शुरू करती हूँ मैं। उसके पहले मैं ये बता दूँ, जो मैंने लिपस्टिक लगाई हुई है डस्टी पिंक, बहुत ही प्यारा सा कलर है, बहुत अच्छी लिक्विड लिपस्टिक है ये, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कच्ची घाणी का नारियल का तेल जो मैं इस्तेमाल करती हूँ खाना बनाने में, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उनको आप ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। आज 3 जून है, वेट 69.8 केजी है। फर्स्ट मील ऑफ द डे मैं एक मैंगो खा रही हूँ। अप्रॉक्सीमेटली 45 मिनट्स टू 1 घंटे के बाद मैं उत्तपम खा रही हूँ ब्रेकफास्ट में। ब्रेकफास्ट के 2 घंटे के बाद मैं 1 ग्लास आम पन्ना का पी रही हूँ। 2 घंटे के बाद मैं लंच कर रही हूँ। लंच में मैं एक रोटी खा रही हूँ जिस पर देसी घी लगा हुआ है थोड़ा सा, और साथ में सब्जी है भिंडी प्याज टमाटर की, जो सरसों के तेल में कच्ची घाणी वाले में बनाई हुई है, और साथ में गुड़म्बा खा रही हूँ मैं, ये कच्चे आम की और गुड़ की चटनी है। लंच करने के 3 घंटे के बाद मैं एक मैंगो खा रही हूँ, और 1-2 घंटे के बाद मैं 200 ml आम पन्ना का पी रही हूँ। मुझे बहुत टेस्टी लगता है, दिन में 2 बार तो नहीं पीना था बट बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, एंड इट इज़ रियली फ्लेवरफुल। फालतू के फास्ट फूड खाने से अच्छा तो आम पन्ना ही ठीक है, एंड इसका रेसिपी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब मैं अपना डिनर कर रही हूँ, थोड़ा जल्दी करने की कोशिश कर रही हूँ, एंड डिनर में मैं दाल चावल खा रही हूँ, महा छोले की दाल है और साथ में थोड़े से चावल हैं, बिल्कुल कम क्वांटिटी में मैंने लिया है, और हाँ दाल मैंने अच्छी बड़ी कटोरी भर कर के ली है। आज 4 जून है, वेट 70.0 की। आज मैं सुबह उठते ही ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। मैं फ़र्स्ट मील में कोई फ्रूट आज नहीं खा रही हूँ बिकॉज़ ब्रेकफास्ट ऑलरेडी रेडी है, मम्मी ने बना दिया है, तो मैं एक दाल वाली रोटी खा रही हूँ घी में बनी हुई है जो, और साथ में मैं आधी कटोरी दही जिसमें मैंने एक छोटा चम्मच चीनी का डाला है वो खा रही हूँ। ब्रेकफास्ट के 2 घंटे के बाद मैं 1 ग्लास मैंगो शेक पी रही हूँ, लगभग 150 ml टू 200 ml है ये। गर्मियों के सीज़न में मम्मी पापा के साथ मैंगो शेक ना पिया तो क्या ही किया। वैसे तो अभी लंच टाइम हो गया, लेकिन अभी लंच क्योंकि रेडी नहीं है और मुझे बहुत भूख लग रही है, तो इतने मैं 6 लीची खा रही हूँ। लंच बन गया है, एंड लंच में मेरी मम्मा ने एक तो पहले से ये इतना ज़्यादा टेस्टी गुड़म्बा बनाया हुआ है, अम्बी और गुड़ की चटनी, बहुत ज़्यादा टेस्टी है और इसमें चीनी भी नहीं पड़ती, और गुड़ तो वैसे भी खाने के बाद खाना ही होता था या खाने के साथ में ताकि एनर्जी बनी रहे, और अम्बियाँ सीज़न में है तो आप भी गुड़म्बा बना सकते हैं एंड स्टोर करके उसको रख सकते हैं। शीशे के कंटेनर में स्टोर करेंगे तो बेस्ट रहेगा, वो हेल्दी भी होगा, प्लास्टिक नहीं जाएगा आपके अंदर एक तो, और दूसरा शीशे में ख़राब नहीं होता। और मैं एक रोटी खा रही हूँ,
और साथ में टिंडे की सब्जी बनी हुई है और थोड़ा सा गुड़म्बा खाने वाली हूँ। सच में बहुत टेस्टी होता है। इसका रेसिपी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप ट्राई आउट जरूर करके देखिएगा। लंच करने के 2.5 घंटे के बाद मैं 1 ग्लास आम पन्ना का पी रही हूँ। टाइम में आज मैंने ना कोई फ्रूट या फिर नाश्ते का आइटम थोड़ा सा क्वांटिटी में नहीं खाया। मैंने 4 आटे के बिस्किट खाए जो बनवा के लाते हैं ना, देसी घी और आटे वाले, वो वाले। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, मतलब कई महीनों से बिस्किट नहीं खाए थे, तो मैंने वो खाया। अदरवाइज़ मैं कभी बिस्किट रिकमेंड नहीं करती हूँ। और जो तमाम ने क्लियरली बोला है, पैकेट वाले बिस्किट तो आप जिंदगी में भी कभी नहीं खाना है। एक बिस्किट खा सकते हो पहाड़ चढ़ने के बाद, लाइक पैकेट में जो बिस्किट आते हैं वो इतने अनहेल्दी होते हैं। खैर, तो मैंने आटे वाले खाए थे तो वो ऐसे अनहेल्दी तो नहीं होंगे, बेक्ड वाले यहीं के पास के, तो फ्रेश वाले थे वो। एनीवेज, अब मैं अपना डिनर कर रही हूँ 2 घंटे के बाद, और डिनर में मैं चावल और अरहर की दाल खा रही हूँ और साथ में थोड़ी सी सैलड है। आज 5 जून है, 5 जून को वेट 69.5 kg है। फर्स्ट मील ऑफ द डे, मैं फ्रूट खा रही हूँ। 2 फ्रूट से ज़्यादा तो एक साथ एक टाइम पे आई डोंट थिंक खाने चाहिए, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। एक ही फ्रूट बेस्ट रहता है, बट आज मैं 2 खा रही हूँ इसे, और एक चीकू है छोटू सा, और साथ में 4 छोटी छोटी लीची है। 20 to 30 मिनट्स के बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। ब्रेकफास्ट में मैं कांधा पोहा खा रही हूँ। ब्रेकफास्ट करने के 2 घंटे के बाद मैं 1 ग्लास आम पन्ना का पी रही हूँ। अब 2 से 3 घंटे के बाद मैं अपना लंच कर रही हूँ। लंच में मैं चावल, राजमा और थोड़ी सी दही और थोड़ी सी सैलड खा रही हूँ। खाना खाने के 2 से 2.5 घंटे के बाद मैं लगभग 1.25 ग्लास नारियल पानी का पी रही हूँ। फ्रेश कोकोनट वाटर है, एंड फिर नारियल में जो मलाई होती है, हल्की सी पतली लेयर होती है ना, वो भी मैं खाऊंगी इसके बाद। अब लगभग 2-3 घंटे के बाद मैं 1 ग्लास लगभग 200 ml गाय का दूध पी रही हूँ, प्लेन है, बिना कुछ कोई चीज़ ऐड करे हुए। और 2-3 घंटे के बाद मैं 1 आम खा रही हूँ, एंड दैट्स इट। आज मैं अलग से डिनर कुछ नहीं करने वाली हूँ, मेरा पेट भरा हुआ है। आज June 6 है, वेट 69.3 kg आ रहा है। इसमें से खुश होने वाली बात नहीं है, बिकॉज मैंने डिनर नहीं किया था ऑब्वियसली, तो इसलिए थोड़ा सा तो कम आएगा ही एक बार। फर्स्ट मील ऑफ द डे, मैं एक बिल्कुल स्मॉल साइज़ का बनाना खा रही हूँ। 30 to 40 मिनट्स के बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। ब्रेकफास्ट में मैं आलू प्याज का परौंठा खा रही हूँ जो देसी घी में सेका है, और साथ में घर का बना हुआ 1 चम्मच मक्खन है। एंड दिस इज़ समथिंग जो मैं बचपन से खाती आ रही हूँ। तो जब मैं ये ऐसा खाना खाती थी तो मेरा वेट कभी भी बढ़ता नहीं था। मेरा वेट फास्ट फूड वगैरह खाने के बाद बड़े होकर बढ़ना स्टार्ट हुआ था। सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ नॉट गोइंग टू हार्म मी। पंजाबी और नॉर्थ इंडियन फैमिली में स्टेपल फूड होता है ब्रेकफास्ट में परौंठा। क्योंकि 2 घंटे के बाद मैं 5-6 लीची खा रही हूँ। 2 घंटे के बाद मैं लंच कर रही हूँ। लंच में मैं 1 रोटी खा रही हूँ और टिंडे का भरता है, साथ में गुड़ और अम्बी की चटनी है, गुड़म्बा है। लंच करने के 2 से 3 घंटे के बाद मैं 1 ग्लास आम पन्ना का पी रही हूँ। 2 घंटे के बाद जो दाल होती है ना, एक तली हुई वाली होती है वैसे, इसलिए मैं ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खा रही हूँ। उसमें प्याज, टमाटर और हरी मिर्च डाल के, नींबू डाल करके मम्मा ने बना के दिया है, तो मैं बहुत कम क्वांटिटी में खाऊंगी। मेनली इसमें प्याज टमाटर ज़्यादा है। 2 घंटे के बाद मैं 1 ग्लास लगभग 200 ml गाय का दूध पी रही हूँ। अब 2 घंटे के बाद मैं डिनर में 1 से 1.5 आम खा रही हूँ। आज 7 जून है, वेट 69.5 kg है। फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग मैं एक चीकू खा रही हूँ। 40 मिनट्स के बाद मैं ब्रेकफास्ट में उत्तपम खा रही हूँ, जो कि एक्स्ट्रा वर्जन कोकोनट ऑयल में कुक किया गया है और साथ में देसी घी में भी कुक किया गया है। ऑयल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो मैं कुकिंग के लिए यूज़ करती हूँ अपने वेट लॉस के टाइम पर। ब्रेकफास्ट करने के 2 घंटे के बाद मैं 1 फ्रेश कोकोनट वाटर पी रही हूँ। नारियल पानी पीने के बाद जो नारियल में कभी मलाई निकलती है ना, तो उसको भी खाना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है हेल्थ के लिए। अच्छे हेल्दी वाले फैट्स होते हैं इसमें। 2 घंटे के बाद मैं लंच कर रही हूँ। लंच में मैं कढ़ी और चावल खा रही हूँ। लंच करने के 2 घंटे के बाद मैं हैंडफुल ऑफ चेरीज़ खा रही हूँ। आप जस्ट कोई भी सीजनल फ्रूट खा सकते हैं। अब 2 घंटे के बाद शाम का टाइम है, तब मैं 1 मैंगो खा रही हूँ। 2 घंटे के बाद मैं 1 ग्लास लगभग 300 ml दूध पी रही हूँ, गाय का दूध, प्लेन ही है। और मैं इसके साथ में 1 टीस्पून गुलकंद का खाऊंगी और 4 काजू खाऊंगी। 2 घंटे के बाद मुझे थोड़ी भूख लग रही है, अभी 1 घंटा है मेरे सोने में, तो मैं 1 मैंगो खा रही हूँ। आज 8 जून है, वेट 68.9 kg आ रहा है। फर्स्ट मील ऑफ द डे, मैं हैंडफुल ऑफ चेरीज़ खा रही हूँ। कोई भी सीजनल फ्रूट यू कैन हैव एट दिस टाइम। 30 मिनट्स के बाद मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। ब्रेकफास्ट में मैं इडली खा रही हूँ, जिसमें सॉटे करके सब्जियाँ ऐड की हुई हैं। ब्रेकफास्ट करने के 2 घंटे के बाद मैं 1 ग्लास आम पन्ना पी रही हूँ, लगभग 200-250 ml। 2 घंटे के बाद मैं लंच कर रही हूँ। लंच में मैं 1 रोटी खा रही हूँ, पेठे की सब्जी बनी हुई है, खट्टा मीठा छिलके वाला पेठा। साथ में मैं 1 छोटा सा अनियन खा रही हूँ, प्याज यानी कि, और बाकी मैं साथ में गुड़म्बा यानी कि आम और गुड़ की, अम्बी और गुड़ की चटनी खा रही हूँ।
लंच करने के 2.5 घंटे के बाद मैं आधी कटोरी दही खा रही हूँ, घर की जमी हुई गाय के दूध की, और साथ में मैं फ्रूट खा रही हूँ। लाइक इस टाइम पे मैं से खाती नहीं हूँ फ्रूट, कोई एक चीज़ खाती हूँ लाइक मैं, बट अब मैं आजकल डिनर छोड़ा हुआ है तो फिर इसलिए अच्छा भी लगता है फ्रूट घर में, बाई चांस था अभी, सो आई थॉट कि दही के साथ में फ्रूट भी खाई लूँ। 2 घंटे के बाद मैं 1 ग्लास दूध पी रही हूँ, गाय का दूध है, प्लेन मिल्क है। 2 घंटे के बाद मैं एक बड़े से साइज़ का मैंगो खा रही हूँ, ये मेरा डिनर है। 1 घंटे के बाद अब मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें से फ्रूट खाने वाली हूँ। आज 9 जून है, वेट 68.9 kg है। फर्स्ट मील ऑफ द डे मैं 2 स्लाइस मैंगो के खा रही हूँ। 30-40 मिनट्स के बाद मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। ब्रेकफास्ट में मैं आलू का परांठा खा रही हूँ एक, और मैं इसके ऊपर घर का बना हुआ मक्खन रखूँगी, और ये देसी घी में बनाया गया है। लिमिटेड क्वांटिटी में मैं ये चीज़ों का यूज़ करती हूँ, बट हाँ मैं मक्खन अच्छे से खाती हूँ बिकॉज़ मैं हफ्ते में एक ही बार परांठा खाती हूँ। आज संडे है एंड मोस्टली संडे को हम एक बार परांठा खाते हैं। और ब्रेकफास्ट करने के लगभग 3 घंटे के बाद मैं 1 प्लेट फ्रूट्स का खा रही हूँ, लाइक थोड़ा ज़्यादा, इससे थोड़ा कम कर दूंगी, मम्मी ने डाल के दिया ढाई बहुत से सारा। 3 घंटे के बाद मैं अपना लंच कर रही हूँ। लंच में मैंने थोड़ा सा वाइट राइस लिया है, बिल्कुल कम क्वांटिटी में है, ज़्यादा नहीं है, अपनी एपेटाइट के हिसाब से मैंने लिया है, एक छोटी कटोरी जितना, और साथ में मैंने एक बड़ी कटोरी छोले की सब्ज़ी ली है, प्रोटीन रिच और बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं, एंड देन साथ में थोड़ी सी सैलड है, प्याज टमाटर और लंच खीरे करने की। के 2 से 2.5 घंटे के बाद मैं एक फ्रेश कोकोनट वाटर पी रही हूँ, और जो कोकोनट में मलाई निकलती है वो भी मैं खाऊंगी इसके बाद। 2.5-3 घंटे के बाद मैं आधी कटोरी छोटे वाली घर की जमी हुई गाय के दूध की दही खा रही हूँ, और ये बिल्कुल छोटे वाली प्लेट है, बहुत ज़्यादा नहीं है ये चावल, बल्कि 3 चम्मच चावल है और 4 चम्मच छोले हैं, दैट्स इट। तो ये मेरा इवनिंग एंड डिनर का दोनों का यही हो जाएगा। अब 2 घंटे के बाद मेरे सोने के लगभग 1.5 घंटा 2 घंटा पहले मैं 2 छोटे छोटे मैंगो खाने वाली हूँ, एंड 2 मैंगो मेरी मम्मी खाएंगी। सो दैट्स इट अबाउट माई डिनर। आज 10 जून है, वेट 69.4 kg है। वीडियो हेल्पफुल लगी हो, घर का देसी खाना खाते हुए देख करके मज़ा आया हो, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ऐसी और वीडियोस देखते रहने के लिए।